ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खुल रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बारे में जी मीडिया से बात की स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मैनेजिंग डायरेक्टर एस ए रमेश ने। हमारे देश में काफी खाताओं की कमी थी, लोगों के पास बैंकिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा करता था। अभी इस योजना के दौरान लोगों को बैंक खाता क्या है, बचत कैसे किया जाता है, ये सब हमको सिखाने को भी मिला है। हमें भी ये एक बहुत अच्छा मौका मिला कि लोगों के साथ बातचीत करने का। इस योजना में ऐसे देखा जाए तो इसमें तीन तरह के लाभ मुझे दिखाई देते हैं। एक तो है कि जो गरीबों को मनी लेंडर्स यानी उनसे उनके चुंगल से बचना है। दूसरा कि उनके जो पैसे हैं कभी कभी उनके घर पे भी जमा रखते हैं लेकिन उनको उसकी साधन या सुविधा नहीं होती, यह पैसा उनको बचाने के लिए बैंक का खाता एक बहुत सुंदर तरीका है। तीसरा है कि यह गरीबों के लिए हमारे गवर्नमेंट ने सरकार ने काफी हद तक उनको पैसे देने का, उनका काम करने पे प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं नरेगा पैसा देने का या कोई सब्सिडी देने का या एग्रीकल्चर में उनका पैसा देने का ये सब व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये सब पैसे ढंग से उनको पहले नहीं मिला करते थे। अब ये खाता खोलने से उनके खाते में जब पैसे सीधे चले जाएंगे तो उनके आर्थिक व्यवस्था में बहुत सुधार होगी। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे बैंक में कम 250 करोड़ रुपए इन्हीं छोटे खातों में हमारे पास पड़े हुए हैं। यानी उनका पैसा जो है बैंक के अर्थव्यवस्था में आ गया है और उस तरह से नेशन बिल्डिंग यानी इकोनॉमी में भी आ गया है। बाजार पर अभी तो काफी अच्छा प्रभाव होगा इसका। इसमें ऐसा है कि जो पैसा बिल्कुल काम पे नहीं लगा करता था वो पैसा अभी इकोनॉमी में आ गया है और धीरे धीरे से ये पैसा और बढ़ेगा और जब ये पैसा बढ़ेगा इकोनॉमी की काफी सुधार होगी। हम इसमें तो इसके आधार के ऊपर काफी हमें विश्वास है।